आज की इस कक्षा के अंदर हम अध्ययन करने वाले हैं आदिकालीन साहित्य की प्रमुख परिस्थितियाँ, और साथ ही हम इसके बारे में देखने वाले हैं कि इससे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस हिसाब से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, इसको कैसे एग्जाम में लिखना है और कैसे इसको याद करना है, क्या क्या ज़रूरी है तो आपको पहले बता देता हूँ। जैसे आपने थंबनेल के ऊपर देखा है, क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाएगा, आपसे सीधा पूछेगा कि आदिकालीन साहित्य की प्रमुख परिस्थितियों का वर्णन करें, परिस्थितियों के बारे में बताएं, कुछ भी पूछ सकते हैं इसी प्रकार से, ठीक है। और फिर क्या पूछेगा, इसके अंदर छोटे क्वेश्चन पूछेगा कि आदिकाल की सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन करें, धार्मिक परिस्थितियों का वर्णन करें, ऐतिहासिक परिस्थितियों का वर्णन करें। ये जो आगे आगे पॉइंट्स बनेंगे इस क्वेश्चन में आगे बताऊंगा। तो अब आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको बताया है कि अभी तक कि भाई क्वेश्चन आपको किस हिसाब से पूछेगा। अब आपको बता देता हूँ कि मैंने जैसा आपके पास थंबनेल पे आपको दिख रहा होगा ना, 8+5=13 मार्क्स, 8 मार्क्स का जो एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, और 5 मार्क्स का जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, जैसे मैंने अभी बताया ना, इसी के अंदर ही छोटा प्रश्न के सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन करें आदिकाल की, इस तरीके से इस एक टॉपिक से हमारे 13 मार्क्स बन जाते हैं। आगे चलते हैं, इसको पढ़ते हैं हम ध्यान से। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं परिस्थितियाँ क्या होती हैं, हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना चाहिए। परिस्थितियाँ का अर्थ क्या होता है, जैसे कि परिस्थिति बोलेंगे स्थिति हो गई, ठीक है, कोई भी एक स्थिति हो गई, स्थिति में लगा लीजिए हालात, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर जो आदिकालीन कि हम परिस्थितियाँ पढ़ेंगे कि वहाँ पर उस समय कैसी स्थिति थी, उसके क्या हालात थे, जैसे कि अंदर हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं सामाजिक परिस्थितियाँ, ऐतिहासिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ, धार्मिक परिस्थितियाँ और साहित्यिक परिस्थितियाँ। तो ये सब कुछ जो आदिकाल का कैसा था, तो भूमिका देख लेते हैं यहाँ से। जिस देश का समाज जैसा होगा उसका साहित्य भी वैसा होगा, क्योंकि साहित्य समाज को और समाज साहित्य को प्रभावित करते हैं। समाज की परिस्थितियों में यदि परिवर्तन होता है तो उसके साहित्य में भी परिवर्तन होगा। यही बात है, जैसा उस टाइम पर समाज था उसी हिसाब से यहाँ पर परिस्थितियाँ देखने को मिलेगी। और वही बात है, जैसी परिस्थितियाँ हो गई वैसा ही साहित्य में भी परिवर्तन होगा। आचार्य रामचंद्र स्कूल ने इसको जो वीरगाथा काल है और आदिकाल को इन्होंने 1050 से 1375 के अंदर विक्रमी संवत निर्धारित किया है। और ये जो संवत और तिथियों में कितना अंतर होता है, ये इससे भी पहले काफ़ी वीडियो जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, आदिकालीन हिंदी साहित्य के जन्म और विकास की कहानी भारत की सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा साहित्यिक परिस्थितियों की रोचक और रोमांचक कहानी है। आदिकाल साहित्य को जानने से पूर्व इसकी जो गुलमलीन जो परिस्थितियों का अध्ययन करना हमें आवश्यक है। तब पढ़ते हैं हम इसकी जो परिस्थितियाँ थी वो स्टेप वाइज स्टेप। आगे चलते हैं, सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे ऐतिहासिक परिस्थितियाँ। ऐतिहासिक परिस्थितियाँ देख लेते हैं, ऐतिहासिक, यहाँ पे इनको कोई राजनीतिक परिस्थितियाँ भी बोल देता है, वैसे देखा जाए तो ये ऐतिहासिक परिस्थितियाँ ही होती हैं क्योंकि अंदर हमें इतिहास के बारे में देखने को मिलता है। हर्षवर्धन 606 से 643 के निधन के पश्चात केंद्रीय शक्ति का ह्रास हो गया तथा राजसत्ता डावाडोल हो गई। हर्षवर्धन के मतलब निधन के बाद जो राजसत्ता थी वो डावाडोल हो गई थी। नवीं सती में मिहिर बोझ ने इसे समेटा था, सुव्यवस्था का केंद्र बनाया, अरब में इस्लाम का प्रचार हो गया, मध्य एशिया, पश्चिम तथा अफगानिस्तान भी इससे अछूते नहीं रहे। क्योंकि जैसे सम्राट हर्षवर्धन का जो निधन हो गया था, इसके बाद से भारत के अंदर भी और अनेक जो देश थे इनके अंदर भी इस्लाम धर्म का प्रचलन शुरू हो गया। मुसलमानों ने सिद्ध को प्रवेश द्वार बनाना चाहा तथा 710-11 में फिर क्या है, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर भी धावा बोल दिया। सिंध के राजा तथा उसके पुत्र की पराजय का कारण जाति भेद और व्यक्तिगत स्वार्थ थे। इनके जो मेन कारण था, इनका जो खुद का व्यक्तिगत स्वार्थ था और जाति भेद का कारण था, ठीक है।
सिंध के बौद्धों का अपने ब्राह्मण राजा के साथ न्याय देना इसी प्रवृत्ति का सूचक है। इस घटना से जनता की शासन प्रति उदासीनता और राजनीतिक चेतना का पतन का परिचय मिलता है। यही था कि जो यहाँ के जो बौद्ध थे उन्होंने अपने ब्राह्मण राजा का साथ नहीं दिया, इसीलिए जो इस घटना की जो शासन की प्रति है वो उदासीन है और राजनीतिक चेतना का यहाँ पे पतन का परिचय मिलता है। 9वीं सदी तक मुसलमान पश्चिमोत्तर भारत में प्रवेश नहीं कर सके क्योंकि वहाँ का जो राजा था वो बहुत शक्तिशाली था। 10वीं सदी में गजनी का राज्य मोहम्मद गजनवी के साथ आया। उसने पंजाब, कांगड़ा, ग्वालियर आदि को जीतने का प्रयास किया। आक्रमण करते हुए उन्होंने सोमनाथ मंदिर पर हमला भी किया। जो सोलवाइस का अटैक है ना, फेमस अटैक है, 1025 में किया था इसने जो है सोलो आक्रमण किया था। वहाँ पर इसने विजय प्राप्त की और धन लूटता वापस चला गया। ठीक है, इसके बारे में इतिहास अगर किसी के पास हिस्ट्री है तो उसको पता होगा इसके बारे में ज़्यादा। 11वीं-12वीं सदी में दिल्ली में तोमर, अजमेर में चौहान तथा कन्नौज में गहड़वाड़ों के शक्तिशाली राज्य थे। मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण करके इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ठीक है, बाद में जयचंद को पराजित करके भारत पर अपना भी राज्य स्थापित किया। उनके पराजय का मुख्य कारण आपसी फूट थी, जैसा कि जयचंद वाली कहानी पता होगा आपको जिसके पास हिस्ट्री है क्या कहानी थी। अब यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, हमें सिर्फ समझना है थोड़ा। फलतः तुर्की का राज्य भारत पर स्थापित हुआ। राजपूतों में सामान्यता भावना थी, वे राजा को सर्व पर ही मानते थे। जैसे जो सामंत कौन होते हैं, जैसे राजा महाराज होते हैं ना, राज्य के अंदर एक रक्षकों का संगठन होता है उसी को सामंत कहते हैं, और वो अपने राजा को ही ज़्यादा सत्ता के रूप में स्वीकारते थे। इस काल में राजनीतिक चेतना का पतन हो चुका था। उनके अंदर ग्रह कलेश, द्वेष तथा ईर्ष्या व्याप्त थी, इसलिए हिंदू राज्य का पतन हुआ। सब में राज्य को फैलाने की लालसा थी, इसलिए विदेशी आक्रमणों के उदासीन रहे, जो संकुचित राष्ट्रीय भी परिचायक थी। इससे पहले वाली जो प्रवृत्तियाँ पढ़ी थी मैंने, उसके अंदर बताया था कि संकुचित राष्ट्रीयता क्या होती है, उसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आगे चलते हैं सामाजिक परिस्थितियाँ। इसके अंदर जो सामाजिक परिस्थितियाँ थी उसकी भी स्थिति अच्छी नहीं थी, उच्च नहीं थी। जो यहाँ पर धर्म और राजनीति की दीनहीन दशा थी, यानी कि खराब दशा थी। यहाँ पर क्या था, ज़्यादातर छुआसूत था और रूढ़िग्रस्त धर्म था। रूढ़िग्रस्त क्या होता है, जैसे रूढ़िवादी होगी, जिसके अंदर समाज के अंदर प्रथाएं चली आ रही हैं, खराब प्रथाएं, वो होती है रूढ़िवादी था। इस युग में सामंतवीरता आता था, वंश कुलीनता का बोलबाला था। कुलीनता का अर्थ होता खानदानी। ठीक है, राजपूतों में विशेष रूप से वीरता तथा आत्मोत्सर्ग की भावनाएं थी। आगे चलते हैं, जौहर प्रथा नारियों के आत्म बलिदान तथा शौर्य का प्रतीक थी। जौहर क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। जौहर क्या होती है, जब भी मान लीजिए ये एक राज्य है और ये एक राजा है, ठीक है ना, ये इस जो राजा से युद्ध किया और जो ये राजा था युद्ध में हार गया, और जो इसकी पत्नी है, इसकी रानी है, वो अपनी आत्म रक्षा के लिए, जैसे एक अग्नि का कुंड होता था, अपनी आत्म रक्षा के लिए अपनी हत्या कर लेती थी अग्नि कुंड के अंदर, इसको बोलते हैं जौहर प्रथा। ठीक है, राजपूत दृढ़ प्रतीक स्वामी भक्त और ईमानदार थे, परंतु वे कूटनीतिक तथा दूरदर्शी नहीं थे। कूटनीतिक यानी कि जो नीतियाँ होती हैं उनकी इनको अच्छे से नॉलेज नहीं होती थी, दूरदर्शी भी नहीं थे, ज़्यादा दूरदराज तक सोचने वाले भी नहीं थे। जन सामान्य में मनोबल की कमी थी, उत्साह की भी कमी थी। यहाँ पर समाज की दशा पतनोन्मुक्ति पतन की ओर थी, यानी कि बहुत नीचे जा रहा था। उस समय के राजाओं का जीवन भी विलासी था, वे बहुपत्नीक थे, वो बहुत ज़्यादा रानियाँ रखते थे, स्त्री को भोग विलास की ही सामग्री मानते थे। यानी कि आप अच्छे से समझ सकते हो भोग विलास का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखा जाए तो धार्मिक परिस्थितियाँ थी वो भी अच्छी नहीं थी। यहाँ पे बौद्ध और जैन धर्मों का प्रचार देखने को मिलेगा। शंकराचार्य 845 से 877 ईस्वी के प्रबल प्रहारों से बौद्ध धर्म का आघात पहुँचाया। जंतर मंतर यहाँ पे, हाँ, आपको जंतर मंतर जादू टोना देखने को मिलेगा, स्त्रियों को भोग करने कि जो वस्तु समझना, यहाँ पे जो निरीह जनता को ठगने लगे, यहाँ पे धर्म का प्रचार हो गया। ठीक है, बौद्धों ने यहाँ पर 5 रात्र सेवों के पशुपत काली
कपालिक आदि संप्रदाय की बौद्धों की पूजा पद्धति का प्रचार हुआ। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया जंतर तंत्र मंत्र नाथ योगी, इससे पहले वीडियोज के अंदर भी मैंने इन इन जिक्र किया हुआ है, नहीं देखी होंगी तो उन वीडियोज को अच्छे से देखना, तो तब आपको समझ में आएगा। इस युग में मुस्लिम धर्म का आगमन हुआ परंतु विशेष प्रभाव इस युग के साहित्य पर नहीं पड़ा। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार सामाजिक तथा राजनीतिक परिवेश भी, धार्मिक वातावरण भी यहाँ पे दूषित था, यहाँ पे सब कुछ खराब था। जैसे यहाँ पे अब साहित्यिक परिस्थितियाँ हैं, इससे के बाद में पढ़ेंगे सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। इनको देखा जाए तो इस साहित्यिक परिस्थितियों से पहले आएगी सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, वो थोड़ा टाइपिंग करने में इसका जो सिक्वेंस है वो बिगड़ गया। यह युग भित्री कलह तथा बाह्य संघर्षों का युग था, फिर भी इसमें संस्कृत साहित्य का निर्माण होता रहा। संस्कृत में ज्योतिष दर्शन आदि विषयों पर टीकाएं लिखी गई थी। संस्कृत कवियों एवं नाट्यकारों में चमत्कार भावना एवं पंडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति रही। हर्ष का नैसत चरित्र इसका परिणाम है, जैसे कि साहित्य के अंदर जो संस्कृत का यहाँ पे बहुत ज़्यादा अहम योगदान देखने को मिलता है। घर के शासक बोझम लेखक थे, फिर भी उनकी सभा में संस्कृत के कवि आचार्य विद्यमान थे। कल्याण की राजतरंगिणी इसका ऐतिहासिक मूल्य है। आगे चलते हैं। अब भरणसों में सिद्धों तथा नाथों तथा जैनियों का धार्मिक साहित्य मिलता है। इससे पहले वाली वीडियोज में मैंने सिद्धों नाथों और जैनियों के बारे में भी बताया है कौन थे, अब यहाँ पर ज़्यादा इसके बारे में नहीं करेंगे डिटेल में। और यहाँ पे डिंगल पिंगल भाषा, इससे पहले वाली वीडियो परवर्तियों में भी मैंने आपको बताया था डिंगल पिंगल भाषा क्या होती है। यहाँ पे चाण भाट कवियों की रचनाएं तथा राख्य ग्रंथ मिलते हैं। निष्कर्ष हम कह सकते हैं इन कवियों को दैनिक जीवन में घात प्रतिघात और राजनीतिक उथल पुथल से भी कोई सरोकार नहीं था। आगे चलते हैं सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। आदिकाल हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों को परस्पर मिलन का समय है। हर्षवर्धन के समय हिंदू संस्कृति जैसे कि कलाई हो गई, जो संस्कृति होती है ना, जो भी आर्किटेक्ट रिलेटेड जो संस्कृति थी, कला के क्षेत्र में उच्च स्थान पर थी जब हर्षवर्धन थे। इस काल में हिंदू संस्कृति के प्रत्येक उत्सव मेले त्यौहार तथा वेशभूषा आदि पर मुस्लिम रंग छाने लगा। जैसे जैसे सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी उसके बाद से मुस्लिम धर्म का आपको आगमन देखने को मिलता है। मूर्तिकला को छोड़कर अन्य भारतीय ललित कलाओं में मुस्लिम कला का वर्चस्व दिखाई देखने लगा। मूर्तिकला, जैसे मैंने आपको कला का जिक्र किया, वही यहाँ पर आपको मुस्लिम कला का भी वर्चस्व देखने को मिला। अब देख लेते हैं इसका पूरा निचोड़, उपसंहार या निष्कर्ष। ठीक है, उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक परिस्थितियों से मालूम होता है कि हिंदू राजाओं में स्थानीय में वीरता थी। ये तो था कि हिंदू राजा स्थानीय थे बट वो अपनी वीरता में थे, वे अपने राज्य भी फैलाना चाहते थे परंतु वे अपने पड़ोस राज्य के प्रति उदासीन रहते थे। मान लीजिए ये क्या है, ये मान लीजिए ये एक राज्य है, ठीक है, और ये एक राज्य है, यहाँ का जो ये राज्य है ये नहीं चाहेगा कि ये मेरे राज्य के अपने अधिकार में ले। ठीक है, इनका क्या था कि ये राज्य ये सोचता था कि मेरा भी पूरे इस क्षेत्र पे अधिकार हो, इस क्षेत्र पे कोई अधिकार ना पाए। यही इन सब की बहुत ही बड़ी कमी है। अगर इनके अंदर ये भावना नहीं होती ना कि ये मेरा इतना राज्य है, मेरे ऊपर आक्रमण ना करें, तो भारत के ऊपर मुस्लिमों का आक्रमण नहीं होता। यही था, मुस्लिम आए, मुगल आए, अगर जो हमारी जो राजा थे जो पहले के वो अगर अच्छे से सोचते ना तो आज हमारा भारत कुछ अलग ही होता नक्शे में, ना ही हमारे जो 565 देशी रियासतें हुई हैं उनके टुकड़े देखने को मिलते हैं। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे लिखना है, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी रामायण है, फिर आप कहोगे कि यार क्या है। देखिएगा, आपको भूमिका जरूर बनानी है क्वेश्चन की। जो ये भूमिका मैंने बनाई है आपको 3 या 4 लाइन में इसको अच्छे से थोड़ा छोटा छोटा करके लिख देना। इसके बारे में तो यार मैं इससे पहले वाली वीडियोज में भी बता चुका कि आचार्य रामचंद्र स्कूल ने इसको इतने भागों में बांटा है, 4 भागों में, ऐसे ऐसे इसका संवाद बताया। पहले वाली वीडियो देखा होता वो आपको बहुत सारा कवर हो जाएगा। फिर आपको सबसे पहले पॉइंट बनाना है ऐतिहासिक
परिस्थितियाँ, और ऐतिहासिक के बाद आपको बनानी है सामाजिक परिस्थितियाँ, सामाजिक के बाद आपको बनानी है धार्मिक परिस्थितियाँ, धार्मिक परिस्थितियाँ के बाद आपको बनानी है सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, और सांस्कृतिक परिस्थितियों के बाद में आपको बनानी है साहित्यिक परिस्थितियाँ। इसके अंदर जो ये पॉइंट है मैंने आपको पॉइंट के अंदर बना बना के ये एक्सप्लेन कर रखा है, तो ऐसे ही आपको पॉइंट बना बना के आप इनको छोटा छोटा पॉइंट्स भी बना सकते हो, आप यहाँ से मेन मेन भी पॉइंट बना के उठा सकते हो एक एक दो दो लाइन में एक्सप्लेन करके। तो ऐसे आपको कम करके एक्सप्लेन करने के बाद आपको सीधा क्या कर देना, आपको अपना जो निष्कर्ष है वो बना देना है। बड़े क्वेश्चंस में भी आपको निष्कर्ष बनाना है, जो छोटे क्वेश्चन होंगे 5 नंबर के उनमें अगर आप पॉइंट बना के इनमें थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करोगे और निष्कर्ष बना दोगे तो अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक जो पढ़ा है वो समझ में आया है। एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।